पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का अखिलेश के बयान पर पलटवार। अखिलेश यादव के ईवीएम का समर्थन ना करने वाले बयान पर पलटवार, कहा ये वोट लूटने वाले बैलेट पेपर का ही करेंगे समर्थन। वोट लूटने के लिए ही की गई थी नीरज मिश्रा की हत्या। वोट लूटने के लिए अखिलेश यादव हटाना चाहते हैं ईवीएम। वीडियो जारी कर पूर्व सांसद ने सपा सुप्रीमो को घेरा। डीएम की अध्यक्षता में पाइप पेयजल योजना नगरीय ग्रामीण की संयुक्त बैठक संपन्न। पाइपलाइन डालने के दौरान रोड और रोड की पटरियों के क्षतिग्रस्त करने की खबर को डीएम ने लिया संज्ञान। डीएम ने वर्तमान में वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त रोड और रोड की पटरी के संबंध में की समीक्षा। 15 दिन के अंदर सभी रोड और पटरी को दुरुस्त कराने के लिए संबंधित को दिए डीएम ने कड़े आदेश। घटना या शिकायत मिलने पर डीएम ने फर्म ठेकेदार के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। हाथरस असंग हादसे में मारे गए आत्म शांति के लिए विध्यांचल मंदिर परिसर में किया गया हवन पूजन। विद्य पंडा समाज ने हवन पूजन कर मां विध्वांसिनी से की प्रार्थना। मृतक आत्मा को मां चरणों में दे स्नान। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना। लोगों से किया अपील, ऐसे स्वार्थी ढोंगी बाबा से रहे सावधान। राज्य सरकार से की मांग, जांच कराकर की जाए कड़ी कार्रवाई। महोबा में कलयुग के पिता ने अपने ही बेटे की लाठी डंडों से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। वहशीपन में पिता इस कदर अंधा हुआ कि बेटे के मरने के बाद भी उस पर डंडे मारता रहा। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। आरोपी पिता को पकड़कर पुलिस के हवाले सौंप दिया। पुलिस ने मृतक बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने जिला पशु चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी को निरीक्षण के दौरान जिला पशु चिकित्सालय में मिली अव्यवस्थाएं। पशु चिकित्सक पिछले 6 दिनों से अनुपस्थित होने पर तत्काल प्रभाव से रोका वेतन। पशु चिकित्सालय की दुर्दशा, अव्यवस्थाएं मिलने पर जिलाधिकारी सख्त नाराज। संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। उच्च अधिकारी को रिपोर्ट भेजने के दिए निर्देश। हाथरस के सिकंदरा राव के रतिभानपुर में बड़ी घटना हो गई। 2 बच्चों समेत 4 महिला भी शामिल। ससक मैदान में भगदड़ में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में अधिकांश महिलाएं बच्चे शामिल हैं और ये मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिनमें शाहजहांपुर के कांड थाना क्षेत्र गाँव भोमोली के 2 बच्चे भी शामिल थे, जिनका नाम काव्य, 3 साल की बेटी और बेटा आयुष शामिल है। बता दें कि भोमोली में रह रहे आनंद कश्यप के बेटे बेटी की भगदड़ में जान चली गई। बच्चों की मौसी बुआ मामी दुर्देश देवी को गंभीर चोटें आई हैं। आनंद कश्यप अपने परिवार के साथ जयपुर में रहकर मजदूरी कर रहे थे। आनंद के परिवार वाले से पहले कई बार सत्संग में जा चुके थे। ट्रांसजेंडर प्रियंका सिंह रघुवंशी के ऊपर जानलेवा हमला। आपसी विवाद में युवक ने प्रियंका सिंह रघुवंशी के ऊपर किया हमला। हमले से फटा प्रियंका रघुवंशी का सर। मोहनलाल गंज कोतवाली में तमाम किन्नर समाज के लोग मौजूद। प्रियंका सिंह रघुवंशी कर रही कार्रवाई की मांग। कोतवाली के अंदर धरना प्रदर्शन की बन रही नौबत। पुलिस 151 की कार्रवाई कर मामला रफा दफा करने की कर रही कोशिश। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र मऊनगर पंचायत का पूरा मामला। राजधानी लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद। रास्ते में जा रही भाई बहन पर बदमाश युवक ने फेंका तेजाब। तेजाब के हमले से युवती और उसका भाई हुआ घायल। घायल भाई बहन का केजीएमयू में चल रहा इलाज। तेजाब के हमले से इलाके में दहशत का माहौल। एक तरफा फ्रेम की बताई जा रही आशंका। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीसीपी पश्चिम डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। बरेली इज्जतनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 22 जून बरेली को दहला देने वाली फायरिंग कांड के बाद शासन और प्रशासनिक कार्रवाई से दहल उठा है बरेली का अपराधी और अपराधी भू माफियाओं। अब तक इस मामले में 31 अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। मुख्य आरोपी संजय राणा के छोटे भाई संजय राणा की भी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस की गोली के निशाने पर फायरिंग कांड के सभी मुख्य आरोपी। इसी क्रम में फायरिंग कांड के मुख्य आरोपी राजीव राणा के छोटे भाई संजय राणा ने बरसात में एसएसपी ऑफिस पहुंचकर किया मीडिया के सामने समर्पण। श्रावस्ती संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का मिला शव। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाया है। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि मंदबुद्धि से ग्रसित था मृतक युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हरदत्तनगर गिरंड थाना क्षेत्र के अयोध्या पूर्वा हरदत्तनगर गिरंड की घटना। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के बलरामपुर नगर पालिका परिषद में मामूली विवाद में बदमाश ने LIC एजेंट को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया, जिसके इलाज के दौरान बहराइच मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहित अन्य अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और निर्देश दे दिए हैं। एम्स में आने वाले मरीजों के तीमारदारों की मदद के लिए वीरभद्र रोड पर बने माधव सेवा विश्राम सदन का लोकार्पण। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ संचालक मोहन भागवत ने किया है। आज से विश्राम सदन के 122 कमरों में 430 बेड पर रहने और खाने पीने की सस्ती सुविधा मरीजों के तीमारदारों को मिलेगी। हरिद्वार में हरकी पौड़ी समेत अन्य घाटों पर हुड़दंग करने वालों और अभद्र सोशल मीडिया रील बनाने वालों को पुलिस की चेतावनी। हरिद्वार पुलिस की ओर से हरकी पौड़ी पर कई चेतावनी के साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें गंगा स्नान करती हुई महिलाओं और बच्चों के फोटो वीडियो लेने, अभद्र सोशल मीडिया रील बनाने को लेकर चेताया गया। आपको बता दें कई शरारती तत्व हरकी पौड़ी पर सोशल मीडिया के लिए रील बनाते हैं, जिससे परिवार के साथ गंगा स्नान कर रहे श्रद्धालुओं को आपत्ति है।
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांवड़ मेले को लेकर बड़ा बयान दिया। हरिद्वार के कनकर से शंकराचार्य मठ पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने उड़ करने का कोई नियम नहीं है। कांवड़ यात्रा को आधुनिक स्वरूप न दिया जाए, उत्साह बनाए रखने के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन डीजे बजाकर कांवड़ यात्रा करना राजनीति का काम हो सकता है पर धर्म का बिल्कुल नहीं।